यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी सिर्फ स्कूटी है और जा रहे हैं अभी। कितनी बिल्कुल साथ जोड़ी हुई है इसने गाड़ी। ये टीवीएस वेक्टर है और ये ना हम इसका कौन सेट की भी प्रॉब्लम है और चैन सेट खत्म है। खत्म नहीं है, करके दूंगा नहीं खत्म भी। ओ तेरी यार, आपको कॉन्फिडेंस से कोई नहीं चलाना जितना ये बिल्कुल साथ जोड़ के चला रही है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका भाई भी एकदम से मस्त है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वेमल चौक से। अभी देख सकते हो सामने ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। चार दिन से ना मैंने व्लॉग भी नहीं किया क्योंकि जम्मू में मैं अब अकेला होता हूँ, बिल्कुल कोई है नहीं साथ में, तो व्लॉग करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा यार, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पूरा दिन सोचता हूँ ये चला बट व्लॉग करने का मन अकेले बिल्कुल नहीं करता। सो दो तीन बंदों को मैंने बोला भी जो कि मोटो व्लॉगर है, उनको बोला भी बट किसी ने, सब ने मैसेज पे बोला, जिसने रिप्लाई, पहले तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जिसने रिप्लाई किया बोलता है हाँ भाई बोलेंगे चलेंगे जब बताएंगे ये वो, बट सिर्फ बातें करके चले गए, बताया किसी ने नहीं। और फिर आज मैं चार दिन बाद में आ चुका हूँ एक अकेले खुद एक राइड के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुजर नगर से जाना है, एक सेकंड हैंड बाइक देखनी है यार। कज़न आया हुआ घर से तो उसको सेकंड हैंड बाइक दिखानी है। गुजर नगर से कज़न को उठाएंगे साथ में तो फिर चलेंगे एक बाइक देखने। अभी फिर एक सिग्नल लग गया, काफ़ी लंबा सिग्नल है यार, खुला ये बहुत लंबा सिग्नल लगा हुआ है जम्मू में। ये 220 वाला क्या कर रहा है ये शे, तेरी तो डायल है भाई, या वो है या कट मारा, वो कट मारा, वो निकल गया भाई। आई मेरा एबीएस निकल रहा है, पता नहीं क्यों निकल रहा है बट निकल रहा है, बार बार टायर स्किट हो रहा है। हेलो सेंट्रो दीदी, सेंट्रो वाली दीदी ये क्या कर रही है, दीदी कैसे चला रही है देखो सेंट्रो वाली, ओ तेरी सारी डस्ट कर गई। ए पापा की बड़ी देखो कैसे भगा रही है सेंट्रो, फुल पावर से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर है कोई यार, देखो कैसे जा रही है ये, क्या लड़की चला रही है सेंट्रो यार, सीरियसली। ओए मुझे कहाँ चढ़ा दिया तूने, ये नहीं छोड़ेगी आज, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कैसे चल रही है ये देखो गाइस क्या कर रही है, वो तेरी ऐसे हम बाइक चलाते हैं जैसे ये लड़की सेंट्रो चला रही है यार, वो तेरी। इसको आज लगता है मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी है, ड्यूटी पे शायद लेट हो रही है। ये देख कैसे कट मार रही है, ओ यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को कुछ हुआ है तो रास्ता बंद किया हुआ है। ओ भाई चेक करो कैसे चल रही है ये, गुजरनगर वाले से चले जाना तो लेट्स सी, ये देखते हैं कहाँ जाएगी। बस मतलब हैंडल स्टेयरिंग तक भी नहीं है पहुंच रही जो लड़की बीच में बैठी है, पता नहीं क्या इमरजेंसी है इसको, क्यों इतना तेज भगा रही है। हाँ ये भी गुजरनगर वाली साइड जा रही है, ओ तेरी लिंग, मोड़ देखो कैसे मोड़ रही है, मतलब मैं कैमरा ऑफ नहीं कर रहा इसके चक्कर में, देख रहा हूँ कैसे चल रही है ये। ये नहीं मानने वाली भाई, ये नहीं मानने वाली, चेक करो ओ भाई गॉड यार, मैंने पहली बार इतनी लड़की में इतना कॉन्फिडेंस देखा मैंने यार, कैसे भगा रही है वो भी ट्रैफिक में यार, खाली रोड इसको मिले तो ये तो जहाज बनाएगी गाड़ी को। दीदी सल्यूट है यार आपको, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लड़की में नहीं होता यार, मैंने आज तक देखा कोई भी लड़की को जितनी भी गाड़ियाँ चलाती हैं या फिर जो गाड़ी नहीं भी चलाती फिर भी इतना कॉन्फिडेंस से कोई नहीं चला रहा जितना ये
और यहाँ से मैंने कज़न को उठाना है, तो फिर सीधा वापस चलना है। तो सेंट्रो वाली दीदी वो चली गई, आ चुके हैं कज़न, और अभी सीधा चलते हैं। पहले पेट्रोल फिल करवाना है, क्योंकि मेरी बैग में ना पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने साकिब की बाइक से निकाल के स्टार्ट करके लाया था मैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे, पेट्रोल डालते हैं और फिर आगे देखते हैं। पहले बख्शीनगर जाएंगे, वहाँ पे भाई ने कोई शॉप देखी हुई है जहाँ सेकंड हैंड बाइक मिलती है, तो वहाँ जाएंगे। और उसके बाद वो भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक शॉप है, रात को ये बंद थी, रात को भी हम आए थे, अभी देख चेक करते हैं। यहाँ पॉलिश पॉलिश मारी हुई है, देख लो। गाइस पहले बाइक चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं हमने कौन सी ली है। यहाँ पे ना हमें कोई बाइक पसंद नहीं आई, अच्छी थी, एक पैशन पसंद आई, उसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, 5000 तक वो ज़्यादा मांग रहा है, मतलब 35 कर रहा, तो 28-30 की वो रेंज पकड़ती है बाइक। तो हमने देखा चलो एक दो शॉप्स हो रहे हैं, वो भी देख के आते हैं। पेट्रोल फिल हो चुका है गाइस, और अभी चलते हैं सीधा बख्शीनगर वाली साइड। और 1 पॉइंट ही 200 का डलवाया, अभी 1 पॉइंट ही आया। 3 दिन से ना मैंने बाइक ये अपनी निकाली नहीं, और इतनी गंदी हुई है ना ये, आगे से इसको डस्ट डूस्ट पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। तो शॉप तो नहीं मिली थी, हमने लिया मैप का सहारा और मैप लगा के अभी निकल रहे। ये मैप हमें देखो कहाँ घुमा रहे किसी की शादी में आ गए ओ शादी खा ले, नहीं वैसे शादी थी लगी हुई है अभी इस दिन तो यार मैप ने हमें कहाँ कहाँ घुसा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कोई बाइक नहीं मिल रही हमें, एक अपाची लगी है, लेकिन अपाची चाहिए नहीं, बाकी स्कूटियाँ हैं, लेकिन स्कूटी भी चाहिए हमें। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी सिर्फ स्कूटी है, और जा रहे हैं अभी रेहाड़ी चौक वहाँ। गाइस आगे लगा हुआ नाका, ये रहा नाका, हे ओ बॉय, यहाँ पे था शायद पर ये बंद है। यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इन्होंने बोला, यहाँ से इन्होंने चेंज कर दिया, और वो है अभी पता नहीं शकुंतला हाल के पास कहीं, तो वो तो हमें पता नहीं है किस साइड है। एक शॉप है, भैया को भेजा मैंने चेक करने के लिए, भैया देखेगा अगर हुई बाइक उधर कोई, तो फिर अपनी बाइक पार्किंग पार्क करेंगे कहीं, तो फिर जाएंगे देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होगी कोई, मेरा सेकंड बाइक से। सो गाइस यहाँ पे हैं स्प्लेंडर है, हीरो है, स्कूटी है, स्प्लेंडर प्रो, 3-4 बाइकें हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी हमें कौन सी पसंद आती है। ये बाइक हमें मिली है, इसको ना चक्कर मारते हैं, इसका चेक करते हैं पहले। स्प्लेंडर या TVS वेक्टर है, और ये करने के लिए मैं चेक करने के लिए आया हूँ इसको, और देखते हैं चलने में थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट की कोई प्रॉब्लम है, बाइल जा रही है अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है इसमें, ये बाइल जा रही है या हवा ही नहीं है टायर में, कोई तो इश्यू है। पहले मैं हवा चेक करता हूँ, हवा कम है टायर में, हवा कम है, और चेन सेट की भी प्रॉब्लम है इसको, क्लच बहुत दूर है यार। इसका कॉन्सेट की भी प्रॉब्लम है, और लाइन में तो चलो हवा की वजह से हो रही है, और हैंडल भी थोड़ा भारी सा हुआ है। कॉन्सेट का काम है, पीछे टायर हमें हवा कम है, तो उसके साथ वो बबलिंग कर रहे है, और चेन सेट भी प्रॉब्लम दे रहा है, पता नहीं ख़त्म है या फिर लूज़ है। ख़त्म ही होगा यार, लूज़ टक टक कर रहा है इसका ना चेन सेट। खत्म है, खत्म नहीं है, लूज है, करके दूंगा, नहीं खत्म भी होगा नया डाल के टायर पे। भैया एक बाइक और है, वो आ रही है, उन दोनों में से चेक करेंगे, जो सही लगेगी वो हमने रख लेनी है, बाकी ठीक है बाइक यार ये। और अभी ना हमने खाना खाना, और खाना खाने के बाद ना बाइक का पेपर है, और वो पेपर देने जाएगा, उसको उधर ड्रॉप करना है छन्नी में, तो फिर उसके बाद आगे वापस 4 बजे हम आएंगे वापस बाइक देखने। तो ये ना व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि यार और बड़ा व्लॉग हो हमारा, तो इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ही एंड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना यार मुझे ना थोड़ा मोटिवेट करो यार, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।